सीओ सिरसागंज ने सुथरा गांव में हुई हत्या का खुलासा किया। इस हत्याकांड के खुलासे में ये बात साफ हुई है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सोथरा चौराहा एनएच 2 पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया है। का मामला है ये, काफी अच्छा और सनसनीखेज खुलासा किया है सिरसागंज पुलिस ने। ये 26 और 27 जून की रात की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति है अर्जुन, जिसकी की लाश उसके घर के बाहर ही मिली थी। फिर इसके बारे में किसी ने भी जानकारी बहुत काफ़ी देर से दी थी। फिर पुलिस वहाँ पहुँची, लाश को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने इसमें जांच शुरू की, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि किसी ने इसका दम घोंट के इसको मारा गया है, गला घोंट के। तो उसके बाद हम जांच कर रहे थे। जांच करने के बाद लगभग घटना के लगभग 10 दिन बाद 7 जुलाई को इसकी पत्नी ने गोलू और एक अन्य व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ 508/20, जिसमें ये था कि गोलू ने और एक अन्य व्यक्ति ने इसके पति को, अर्जुन को, मार दिया है। तो हम उसी की जाँच पड़ताल कर रहे थे, तो लेकिन जांच पड़ताल में हमें कुछ और ही तथ्य सामने आए। हमें जांच पड़ताल, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स देखे, अन्य मुखबिर वगैरह से बात की, गांव में अन्य व्यक्तियों से बात की, तो हमें ये पता चला कि इस महिला की भूमिका ही हमें संदिग्ध लगी। फिर जब और अच्छे से पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, तब एक व्यक्ति है हैप्पी, जिसका नाम सुरजीत है वैसे, उसके और इसके संबंध उजागर हुए। और तब उसके बाद जब हैप्पी को हमने पकड़ा, तब उसका पूरी गुत्थी सुलझी और उसके बाद पता चला कि हैप्पी ने और इस महिला ने, इन दोनों ने ही मिलके इसके पति को मारा था। आपको बताते चलें कि फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पुल के नीचे सोथरा चौराहे के पास से मोहिनी पत्नी स्वर्गीय अर्जुन सिंह निवासी सोथरा और हैप्पी उर्फ सुरजीत पुत्र शिव कुमार निवासी लखनई थाना नसीरपुर को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सोथरा निवासी मृतक अर्जुन की 26-27 जून की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसका शव उसके घर के बाहर पड़ा मिला था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सिरसागंज ने बताया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गहनता से जांच की गई, तो अहम तथ्य सामने आए, जिसकी तह तक जाकर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। इस खुलासे में ये साफ हो गया कि सोथरा गाँव में हुई हत्या में मृतक अर्जुन की पत्नी और उसके प्रेमी ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। बहरहाल पकड़े हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।